अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीएम ग्राफिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मेओ। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप दोस्तों को ये बताना है कि जो हमारी टेम्पलेट्स जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं उसको एडिट किस तरह करते हैं, उसके ऊपर जो आप उर्दू टेक्स्ट जो है वो किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, और उसको किस तरह आप अपने न्यूज़ चैनल के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं, उसमें वीडियो किस तरह लगाते हैं, उसमें ऊपर टेक्स्ट और उसको नीचे जो अगर टिकर हैं आपके उनको किस तरह एडजस्ट करते हैं। और पहले मैं जो आपको टेम्पलेट अपलोड कर देता था तो कुछ दोस्त जो रिक्वेस्ट थी कि आप टेम्पलेट अपलोड कर देते हैं, मगर उनके बताने का जो तरीका है वो आप बताया करें। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की है कम से कम हफ्ते में एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आप दोस्तों को कुछ हेल्प मिल सके, जो मेरे टेम्पलेट्स हैं आप जो दोस्त यूज़ करते हैं उनको बनाने में आपको हेल्प मिल सके कि उसको किस तरह आप अपने चैनल के लिए बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वीडियो जो है वो आज हम अडोब प्रीमियर सीसी में, अडोब प्रीमियर प्रो सीसी जो हमारे पास इंस्टॉल है वो 2017 है। आप 2015 ले लें, 2017, 2018 कोई भी वर्जन आप इसका अडोब प्रीमियर सीसी का कर सकते हैं इंस्टॉल, और उसमें आप ब्रेकिंग न्यूज़ के जो प्रोजेक्ट है, जो ग्राफिक्स है आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें प्रोजेक्ट बनाने का जो तरीका है वो बताऊंगा। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और इस यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोजेक्ट, ये मैंने नाम दे दिया और उसको ओके किया। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी सेटिंग के ओपन होने में, अडोब प्रीमियर इसको जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे जो आप अपने वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपने मतलब जो आपके पास ग्राफिक्स है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास मेरे जो ग्राफिक्स पड़ी है ये ग्राफिक्स है, इसको मैं यहाँ ड्रा करके लेके आऊँगा प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट में ला के ड्रा करके छोड़ी। उसके बाद न्यू आइटम पे जाके ये रिसाइकल बिन के साथ ही एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ आप इसको ड्रा करके छोड़ेंगे। जो आपके टेम्पलेट से जो है उसकी जो सेटिंग है, जो जिस फॉर्मेट में वो है, HD में है या SD फॉर्मेट में है, तो वो प्रोजेक्ट सेम सेटिंग के साथ टाइम लाइन पर आपके साथ वो टाइम लाइन पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे, स्पेस के साथ आपने दोस्तों इसको प्ले करना है, और इसको हम आप उर्दू, जो सबसे बड़ा मसला आप दोस्तों को ये होता है कि इस पे उर्दू कैसे लेके आते हैं, तो उर्दू के लिए हम अडोब फोटोशॉप यूज़ करेंगे। अडोब फोटोशॉप का आप कोई भी वर्जन ले लें, आप उसमें बआसानी उर्दू लिख सकते हैं। और ये अडोब मेरे पास जो है मैंने CC का ही वर्जन किया हुआ है, अडोब फोटोशॉप CC 2017। तो ये मैं ओपन करता हूँ इसको, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने उर्दू लिखनी है इसके अंदर। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ये जैसे ओपन हो जाता है तो इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात है ये है कि हम इसमें जो हमने ये टाइम लाइन पर हमने जो ब्रेकिंग न्यूज़ रखी है, तो इसका आपने यहाँ पे जाके कैमरा बना हुआ एक्सपोर्ट फ्रेम पे जाके आपने क्लिक करना है, और आप यहाँ पे आपने लोकेशन देनी है, आपके यहाँ फॉर्मेट दे सकते हैं उसका इमेज का, या तो JPG है, JPG आपने इसको रखना है, या आपकी मर्ज़ी है PNG रख लें, JPG, BMP कोई भी आप फॉर्मेट दे सकते हैं इसको। और इसको मैं नाम दे देता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ का, ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोजेक्ट। नाम दे दिया तो इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब हमारे पास जो अडोब फोटोशॉप है वो ओपन हो गया है। उसके बाद हम इसको जो हमने वहाँ से इमेज लिया था उसको हम लेके आएंगे अडोब फोटोशॉप में, यहाँ के हमने उसको ड्रा किया और वो ओपन होगा। उसके बाद ये हमारा जो एरिया है इसको हमने इसमें हमने उसके इसके ऊपर जो है हमने उर्दू लेके आनी है। तो आप अपने PC में जो है कंट्रोल पैनल में जाके वो जो उर्दू फॉन्ट है वो इंस्टॉल कर लें, मेरे पास इंस्टॉल है और मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से जो है आपकी उर्दू, इसको इंग्लिश उर्दू आप चेंज कर लें, उर्दू में लें, और उसके बाद आप यहाँ टाइप करें। मैं अब कुछ हेल्प लेता हूँ कि कुछ न्यूज़ जो हम वेबसाइट से उठा के हम उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं,
उसको बनाएंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट है वहाँ उसको ओपन करते हैं और वहाँ से हम कुछ जो है डेटा लेते हैं उर्दू के हवाले से, ताकि उसको हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर इंसर्ट कर सकें। ये फर्स्ट जो न्यूज़ इनकी है ये, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया उसके बाद हम इसको अडोब फोटोशॉप में ला के पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास न्यूज़ जो थी है वो हमारी यहाँ पेस्ट हो गई है। उसके बाद हमने इसको साइज़ जो है वो बड़ा करना है। आल्ट और शिफ्ट को आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद माउस के साथ आप इसके कोने पे रख के माउस को इसको ड्रा करेंगे नीचे की तरफ, तो ये है ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह हो गया और इसके बाद हम इसका फाउंट आप अपनी मर्जी के साथ इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं अप्लाई के, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये फाउंट पे लाके आपने इसका जो फाउंट है वो दे सकते हैं। नॉर्मली जो फाउंट यूज़ होता है अक्सर आपने देखा होगा वो जमीर नूरी नस्तोली की होता है, जमीर नूरी नस्तोली की ये फाउंट हमने लगा दिया। और उसके बाद जरदारी नवाज शरीफ ख़ानदान से पैसे निकलवाने, यहाँ पैसे के बाद मैं स्पेस दे दूँगा, इसको पहले आप कलर चेंज कर लें ताकि आपको इसको एडिट करने में आसानी हो जाए। ये मैंने इसका कलर जो है वाइट रखूँगा, ये कलर वाइट दे दिया और उसके बाद इस स्पेस इसको मज़ीद जो है मैं इंटर करके नीचे ले आऊँगा और उसके बाद ये इसको एडजस्ट कर लूँगा इसके ऊपर। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये लेयर है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग खुल जाएगी। उसके बाद इसको ड्रॉप शेडो जो है वो हल्का सा ड्रॉप शेडो दे दें और इसको अगर कलर देना चाहते हैं आप कलर दे दें, आप कोई भी कलर देना चाहें उसको कलर दे सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे यहाँ कलर ओवरले में जाके आप इसको कलर दे सकते हैं, ब्लैक कर लें, वाइट कर लें, कोई भी कर लें, आप ग्रीन ले आए, येलो पर ले आए। येलो दे देते हैं, उसके बाद हम इसको स्ट्रोक देंगे, आप स्ट्रोक देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रोक का मतलब यह है कि बॉर्डर आप इस पे देना चाहते हैं तो आप हल्का सा बॉर्डर इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टिकर आपने बना लिया और उसके बाद हम इसको ऑफ़ करेंगे, नीचे जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है इसको ऑफ़ कर देंगे। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट बम्पर, इसको बम्पर बोलते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर जो है इसको हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम एक फोल्डर बना लेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोजेक्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ हम इसको रखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ बम्पर वन, बम्पर यहाँ B1 दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, B1, B1, B2, B3 आप कोई भी दे दें। इसके बाद अब दूसरा टिकर जो हम डालेंगे इसको, आप 3 से 4 टिकर जो है आप यहाँ इसके लिए बना सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे आप 3 से 4 टिकर जो है आप इसके लिए बना सकते हैं। अच्छा, इसके हवाले से जो ये न्यूज़ थी आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आपने इम्पोर्टेड जो इसकी बात है फवाद चौधरी की वो देख लें कि क्या इसने इम्पोर्टेड ऐसी बात की है। इसका जो न्यूज़ का टाइटल था जरदारी शरीफ ख़ानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है फवाद चौधरी,
अच्छा, इस हवाले से हम इसमें देखेंगे कि मज़ीद क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ निकल आ सकती है, उसको हम बम्पर में दे सकते हैं। हाँ, ये उठा लें, इसकी पब्लिक अकाउंट पीटीआई को मिलनी चाहिए। कॉपी करेंगे और इसको फोटो शामिल हैं, इसको कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल इसको डल करके कंट्रोल वी कर देंगे। उसको उसी तरह ही जैसे आपको मैंने पहले बताया था उसको इंटर करेंगे, जितने आपने उसके ऊपर एडजस्ट करनी है। इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे और इस लेयर को ऑफ करेंगे। इसको हम अब नाम देंगे B2 का। B2 का हमने इसको नाम दे दिया और इसको हम लेयर को ऑन करेंगे। इसको अब हमने नेक्स्ट जो है बम्पर 3 जो हमने वो बनाना है। फवाद चौधरी ने कहा कि आसिया केस के बाद पैदा होने वाला बुरहान हुकूमत का नहीं, इसको उठा लेंगे और इसको उठा के भी हम बम्पर इसका बना लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसको बैक स्पेस के साथ दोबारा पेस्ट करेंगे और इसको फिर वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था आप इसको इंटर कर दें और फिर जितने आपने इसको एडजस्ट करना है, जब तक आपके ये बम्पर के ऊपर ब्रेकिंग ग्राफिक्स के जो है उसके ऊपर एडजस्ट ना हो आपका बम्पर, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं Alt प्लस शिफ्ट के साथ और माउस ड्रा करके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। इसको इंटर कर देंगे और इसके बाद हमने इसको ऑफ किया और यहाँ से फिर हम इसको ऑन सेव कर देंगे B3 के नाम से। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 बम्पर जो हमारे रेडी हो चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको लगाऊँ और समझा दूँ ताकि मज़ीद अगर आपने बम्पर उसके ऊपर ऐड करने तो वो आप लगा सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट बम्पर जो इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ, पूरा फोल्डर ही उठा के आप इसका बम्पर का वहाँ ले जाएंगे अडोब प्रीमियर में। ये मैं ले आया हूँ अडोब प्रीमियर। इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके करें, इसको ओके करें। जितने आपके बम्पर हैं ओके हो जाएंगे तो ये आपका फोल्डर जो पूरा इंसर्ट हो जाएगा, ये आपके 3 बम्पर जो आपने बनाए हैं वो यहाँ आ जाएंगे। उसका साइज़ देखें, ऑटोमेटिकली जो हमने साइज़ इसका वहाँ दिया था वो खुद ब खुद जो है यहाँ साइज़ एडजस्ट होगा क्योंकि उसकी PSD हमने बना के रखी थी और उसको पहले फर्स्ट में मैंने आपको बताया था उसका फ्रेम लेके आपने उसके ऊपर एडजस्ट किया। इसको हम प्ले करेंगे, फर्स्ट जो बम्पर है हम इसका एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर। इसको एनिमेशन देखेंगे कि जितना एनिमेशन से पहले हम इसको रिमूव कर दें। ऊपर जो हमने रखा है V2 के ऊपर जो लेयर है हमने उसके ऊपर इंसर्ट किया था PSD फाइल B1 के नाम से जो हमने रखी है, और उसको कोशिश करें कि हम इसको इतना एडजस्ट करें कि वो एनिमेशन से पहले जो है वो आप उसको कट कर दें या आप उसको डिलीट कर दें। ये माउस के साथ मैंने इसको ड्रा किया और इसको एडजस्ट किया कि जैसे हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ का जो मोमेंट है, एनिमेशन है, जैसे रोटेट होगी तो उससे पहले जो है हमारी उर्दू जो तहरीर है, उर्दू टेक्स्ट बम्पर है वो क्लोज हो जाए। ये जब दोबारा एनिमेशन रोटेट होगी तो हम इसमें P2 जो है वो इंसर्ट कर देंगे।
आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ आप इसमें जूम का इफ़ेक्ट दे दें, थोड़ा सा क्रॉस जूम ये लगा दिए, इसका आप ड्यूरेशन जो है वो कम करें या माउस के साथ। फर्स्ट वाले को हम इफ़ेक्ट नहीं देंगे, उसको सेकंड जो है वो देंगे उसको। ये हमने इसको उठा के इस पे रखा, इसकी ड्यूरेशन जो है हमने कम कर दी इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट आप कोई भी देख लें, इसके अंदर से आप वीडियो ट्रांजिशन में आएंगे। आप इसमें स्टार्ट में इफ़ेक्ट दे दें और उसके बाद एंडिंग पे जो है वो इफ़ेक्ट दे दें इसको, ताकि वो एनिमेशन के साथ मैच हो जाए। आप इस इफ़ेक्ट को जब क्लिक करेंगे इसको कंट्रोल सी करना है और आपका जो फर्स्ट जो है आपका बम्पर है उसके ऊपर लास्ट में जाके आपने माउस को रखना है, बार को रखना है, उसके बाद यहाँ आपने V2 को क्लिक करना है ताकि इफ़ेक्ट जो है वो आप उसके ऊपर लगा सकें। ये आप देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ। इसके ऊपर ला के हम इसके ऊपर लेके आएंगे टाइमलाइन के ऊपर, V3 के ऊपर इसको रख के एडजस्ट करेंगे ताकि जो ड्यूरेशन है V3 के वो सेम हो जाए। उसके बाद हमने इसको यहाँ रखना है। इफ़ेक्ट आपको फर्स्ट जो है इसका कॉपी, इस पर जब क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा इफ़ेक्ट, कंट्रोल सी के साथ आप उस कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी कर लें। माउस को उसके स्टार्ट में नेक्स्ट जो है V3 के स्टार्ट में रखें और उसको इसी तरह आपने लास्ट वाला जो है उसको क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट को और कंट्रोल सी के साथ इसको यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी के साथ। थोड़ा सा आप इसको पीछे लें, ये 3 पंपर थे, आप मज़ीद इसके ऊपर पंपर जो है वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने, अगर आप इन्हीं को ही रिपीट करना चाहती हैं तो इनको यहाँ से आप कॉपी करें, सेलेक्ट करें कंट्रोल सी के साथ, ये हमारे जो इफ़ेक्ट हैं वो इसके ऊपर लगा दिए हैं और उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करा देंगे। और अब हम इसको ग्रीन स्क्रीन जो है वो इसको रिमूव करेंगे। यहाँ आपने इफ़ेक्ट में आना है और आपने यहाँ लिखना है कलर की,
कलर की का इफेक्ट यहाँ आपने प्रोजेक्ट उसके जो ग्राफिक्स है उसके ऊपर अप्लाई करना है, ड्रा करना है, छोड़ना है, और यहाँ इफेक्ट कंट्रोल पे आके आपने कलर पिक करना है ग्रीन, और उसके बाद यहाँ से कलर टॉलरेंस जो है आपने इसको तब तक देखना है कि तब रिमूव हो जाए ग्रीन कलर आप, और उसके बाद जो है आप इसको वीडियो को जो है V2 को और V1 को आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप इसको माउस के साथ ड्रा करके जो है ऊपर ले जाएं ताकि हम इसके नीचे जो वीडियो लगा सकें ब्लैक साइड पे। फवाद चौधरी की है तो हम फवाद चौधरी की ही तस्वीर उठा लेते हैं, इसको सेव करेंगे और इसको हम ड्रा करके यहाँ ले आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स में आके इसको जूम करा लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे इस हिसाब से, इसको यहाँ पोजीशन के साथ आप एडजस्ट कर लें। ये एडजस्ट किया हमने, जितनी आपके न्यूज़ है आप उसको वहाँ तक आप इसको टाइमलाइन के साथ ड्यूरेशन जो है इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका ग्राफिक्स का जो ड्यूरेशन है उसके साथ इसको एडजस्ट कर लें, या माउस के साथ आप इसको सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में लाके माउस को ड्रा करके एंड तक ले जाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको आपने जूम इफेक्ट जो है वो आपने इस पर किस तरह अप्लाई करना है, जैसे आपकी कोई इमेज है तो उसको एक मरतबा पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट कर लें, उसके बाद आप स्केल पे जाके इसको क्लिक करें और इसको आप थोड़ा सा आगे लेके जाएं और इसको आपने यहाँ से जो है इसकी स्केल की जो है इसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें। अगर हम जितना इसको नज़दीक रखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स जो है जूमिंग इफ़ेक्ट्स जो है उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, जितना हम इसको दूर लेके जाएंगे उतनी ड्यूरेशन इसकी जो है ना वो बढ़ जाएगी, जूमिंग इफ़ेक्ट्स जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये जूम हो गया, जूम इन दोबारा जो इसको करना है हमने फर्स्ट वाले के इफ़ेक्ट्स जो डॉट्स जो बन गए इसको क्लिक करना है और इसको आपने कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लें और इन दोनों के दरमियान जो है आप ये देखें कि तीसरा जो आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जो है जूम इन का दोबारा जो अप्लाई करना है कंट्रोल वी कर दें ताकि इनकी जो बीच वाली जो ड्यूरेशन है वो सेम हो जाए। इनको आपने फिर सिलेक्ट करना है और फिर कॉपी कर लें, आपको बार बार जो है जूमिंग इफ़ेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको स्केल को एक मरतबा जो आपने बना लिया जूम इन जूम आउट का जो इफ़ेक्ट आपने एक मरतबा अप्लाई कर लिया उसके बाद हम उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसको फिर आगे कॉपी पेस्ट कर लें। मैंने पूरी जो उसकी फवाद चौधरी की जो इमेज थी उस पर अप्लाई कर दिया जूम इन जूम आउट जो इफ़ेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आपने एक मरतबा बना के रखना है और उसके बाद जो है आपने हर मरतबा जो है ये आपने इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट B1, B2 और B3 को रिप्लेस करना है और V1 पे जो ये वाली टाइमलाइन है इसके ऊपर आपने वीडियो को रिप्लेस करना है, जो आपकी वीडियो जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ इमेज लगा सकते हैं। और उसके बाद इसकी ऑडियो जो थी ब्रेकिंग न्यूज़ की जो ऑडियो थी जो इफ़ेक्ट्स ऑडियो है वो A1 के ऊपर है और A2 के ऊपर जो है आप इसकी वॉइस लगा सकते हैं।
मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऑडियो इसके ऊपर लगा के आपको बता सकूँ कि आप इसके नीचे जो है ऑडियो किस तरह लगाएंगे। ये आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है और उसके बाद आप अपने इस प्रोजेक्ट में नीचे जो है A2 के ऊपर जो ऑडियो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से अपने मोबाइल से ऑडियो भी यहाँ लगा सकते हैं। जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलाने से माशी बहरान हल हो सकता है। फवाद चौधरी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि जरदारी फवाद शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है। फवाद चौधरी का कहना था कि जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है। अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से हम अपने नाजरन को आगाह करते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही PTI को मिलनी चाहिए। अहम तरीन खबर से हम अपने नाजरन को आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिया केस के बाद पैदा होने वाला बहरान हुकूमत का नहीं था। ये एक मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की है और इसको सेव कराता हूँ मैं। जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलाने से माशी बहरान हल हो ये ऑडियो जो आपकी थी वो इसके नीचे ला के लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, इसको वेज जाए ऑडियो की हमें, ताकि आसानी से पता चल सके। उसके बाद ये यहाँ से आप, अगर आपकी ऑडियो स्टार्ट होती है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दें और यहाँ से आप प्ले करें। जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलाने से माशी बहरान हल हो सकता है। फवाद चौधरी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि जरदारी फवाद शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है। फवाद चौधरी का कहना था कि जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है। अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से हम अपने नाजरन को आगाह करते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही PTI को मिलनी चाहिए। अहम तरीन खबर से हम अपने नाजरन को आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी। इस तरह आप अपनी ऑडियो जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं नीचे, और उसके बाद जितनी आपकी ऑडियो है वो उसको एडजस्ट करें। अगर आपकी ऑडियो जो है वो ज़्यादा है तो आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी करें, और लास्ट में जाके आपने इसको जो है V1 को क्लिक करना है, ताकि आपकी जो टाइम लाइन है उसके एंड पे जाके आपकी जो आपने कॉपी पेस्ट करना है उसको दोबारा, तो वो इजीली अपनी जगह पे एडजस्ट हो सके। अगर आप इसको V1 को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये है कि वो आपकी जो प्रोजेक्ट आपने पीछे वाला जो कॉपी किया है वो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ बिल्कुल जो एडजस्ट नहीं होगा। और इसके आप ड्रा करके इसको साथ लगा लें। को आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिया केस के बाद पैदा होने वाला बहरान हुकूमत का नहीं था। अच्छा, आप इसको आपने कंट्रोल एस करना है और प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। उसके बाद आप जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना चाहते हैं आप इस प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। आपने जस्ट B1, B2 और B3 वाले जो टिकर हैं वो आपने अडोब फोटोशॉप में रिप्लेस करने हैं। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करना है। आई का कीबोर्ड से आप अपने आई जो है कि उसको प्रेस करेंगे, और ओ की है उसको प्रेस करेंगे, प्रेस कर देंगे और ये जो आपका वर्क एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो जहाँ आपने स्टार्ट और एंड पे आपने जहाँ तक आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ये मैंने आई और ओ का जो है कीबोर्ड से जो है वो प्रेस करके इसका एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल एम करेंगे हम इसको और सेव करा लेंगे। एक्सपोर्ट करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से अप्लाई किया मगर वो अप्लाई नहीं हुआ, तो आप इसको यह है कि कोई मिस्टेक है शायद, कीबोर्ड की काम नहीं करी, तो इसको मैनुअली मैंने वहाँ से जाके इसको कंट्रोल एम और एक्सपोर्ट कर लें आप इसको। उसके बाद आपने यहाँ फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी वीडियो जो है 1920:1080 जो हमारी ये फ्रेम रेट जो है हमारी जो विड्थ और हाइट है वीडियो की, वो इसमें फॉर्मेट आपने उसके लिए ये रखना है। और उसके बाद मीडियम और हाई सोर्स हैं आप इसमें, अगर HD फुल HD लेना चाहते हैं तो हाई बिटरेट पर करें, या मीडियम बिटरेट पर चाहते हैं तो इसे ये है कि थोड़ी सी क्वालिटी लो हो जाएगी और MB भी कम हो जाएंगी। और उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं जो आप अप्लाई करें, जो आप देख सकते हैं इसको चेक कर लें, जो आपको अच्छी लगे वो आप इसको अप्लाई करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको HD में करता हूं, तो हाई बिट रेट पे इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां इसका मैं नाम देता हूं। फवाद चौधरी ब्रेकिंग न्यूज़, सेव कर दें, एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट होने में वो आपके PC के ऊपर है कि आपके PC की स्पीड जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से है। वो जितना आपका PC जो है अच्छा होगा एक्सपोर्ट करने में जो है वो टाइम आपका कम लगेगा। ये एक्सपोर्ट हो जाती है तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो नेक्स्ट जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे तो उसको किस तरह करेंगे। आपने जस्ट Adobe Photoshop खोलना है और उसके बाद जो मैंने आपको फोल्डर सेव कराया था डेस्कटॉप पे उसको आपने उठाना है। यहाँ पे B1 B2 इसको उठा के आपने जस्ट यहाँ जाके आपने इसको ओपन करना है और ये आपकी 3 ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो आपके यहाँ पे B1 B2 B3 आपके सामने जो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपने इनको जस्ट रिप्लेस करना है और इसका आपने बैकग्राउंड जो है ऑफ़ करके कंट्रोल एस करना है, तो आप न्यू जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इस पे बना सकते हैं। ये हमारी वीडियो जो थी एक्सपोर्ट हो गई है और एक मरतबा मैं आपको इसको क्लोज करके और दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ कि दोबारा नई वीडियो जो वो हम किस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ की बनाएंगे। तो ये मैंने इसको क्लोज़ किया, ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम इसको प्ले करके देखते हैं VLC पे, किसी भी प्लेयर पे आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलाने से माशी बहरान हल हो सकता है, फवाद चौधरी। अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि जरदारी फवाद शरीफ खानदान से पैसे निकलाने से माशी बहरान हल हो सकता है। फवाद चौधरी का कहना था कि जरदारी शरीफ खानदान से पैसे निकलवाने से माशी बहरान हल हो सकता है। अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही PTI को मिलनी चाहिए। अहम तरीन खबर से हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिया केस के बाद पैदा होने वाला बहरान हुकूमत का नहीं था। अगर अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारी कंप्लीट हो गई है, उसको आप अपने ट्रांसमिशन में इंसर्ट कर दें, जिस सॉफ्टवेयर पे आप इसको प्ले आउट जो सॉफ्टवेयर है वहाँ इंसर्ट करें और इसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ को आप अपने जो शेड्यूल है उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्लोज़ कर दिया था Adobe Premiere CC को, उसको दोबारा मैंने ओपन किया। ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको ओपन करेंगे और ये सेटिंग जो थी हमारी पहले जो हमारे प्रोजेक्ट की थी वो सेव हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर न्यू, अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज़ करनी है तो आपने ये इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं इसकी टाइमलाइन पे जो ऊपर आपने रखे थे पहले एडजस्ट करके उनको नहीं चेंज करना, जस्ट आपने इसको मिनिमाइज़ करना है और आपने इसको
अब नई जो बम्पर बनाने हैं वो आपने जस्ट अडा फोटोशॉप का काम है, और उसको आपने इफेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट में सेव किए हुए हैं उनको चेंज नहीं करना। तो ये मैं अब दूसरी कोई न्यूज़ उठाता हूँ तो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। सफ़ा अव्वल से उठाते हैं। ये उठा लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किया, अडोब फोटोशॉप में हमने जो ये ओपन किए हुए थे इनको ओपन करेंगे। MP1 हमारा जो टिकर था, ये वाला टिकर है, इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके डल करेंगे बैक स्पेस के साथ, और हमने जो वहाँ से दोबारा दूसरा टिकर कॉपी किया उसको यहाँ कॉपी करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, Alt+Shift के साथ इसको माउस के साथ आप इसको कोने पे रख के ड्रा करेंगे नीचे की तरफ, तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इंटर कर देंगे इसको आपने। अब बैकग्राउंड जो है आप इसको ऑफ करेंगे और इसको एस कर देंगे, कंट्रोल एस, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये टीचर ने अपने कहा है कि लोगों के साथ एहतराम, ये हो जाएगा चीज। उसके बाद दूसरा टिकर है, आपने इसका उठाना है। B1 हमने चेंज कर दिया, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद B2 है, हम इसका बैकग्राउंड ऑन करेंगे और इसी को इसको भी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके बैक स्पेस के साथ डिलीट कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। B3 हमारे पास है, बैकग्राउंड को ऑन करेंगे और उसके बाद टिकर 3 जो है हम इस पर ढूंढेंगे, जो ख़ास इम्पोर्टेंट बात है जस्टिस की वो उठा लेंगे। ये हमारी सेकंड ब्रेकिंग जो है वो बन चुकी है। हम इसको अडोब फोटोशॉप को भी क्लोज़ कर देंगे और अब हम अपने अडोब प्रीमियर वाले जो प्रोजेक्ट था उसको देखेंगे। जितने भी टिकर थे वो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएंगे। एक मरतबा इसको प्ले करेंगे बे स्पेस के साथ, और ये ऑडियो हमने पहले लगाई थी तो अब हम चीफ जस्टिस वाली ऑडियो हम इसके नीचे लगाएंगे, वो मैंने रिमूव कर दिए। टिकर ये देखें, टिकर चेंज हो गए हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो है इसकी, यहाँ आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं तो फवाद चौधरी की जगह आप अपनी वीडियो लगा दें। ये चीफ जस्टिस वाले जो टिकर थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिप्लेस हो गए हैं। उसके बाद हम जस्टिस की तस्वीर लगा देंगे, उसको लगा के इसको क्लिक करेंगे और स्केल के साथ इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको स्केल पे जाके इसको जूम इन जूम आउट जो है इफेक्ट बना लेंगे।
सेकंड ब्रेकिंग भी हमने जस्ट हमने अडोब फोटोशॉप में टिकर जो थे वो चेंज किए हैं और नीचे वीडियो लगाई है। यहाँ आप अपने मर्जी से जो इसकी ऑडियो है वो नीचे वाली A2 पे जो वो आप लगा सकते हैं, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दें। कंट्रोल एम शार्ट कमांड है, लेकिन ये है कि मेरा कीबोर्ड में शायद कोई इशू आ गया है, वो कमांड काम नहीं करी। आप इसमें फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, मीडिया में जाएं, उसके बाद आप इसको नाम दें और इसको एक्सपोर्ट करा दें। बार बार आपको ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो नहीं बनानी पड़ेगी। आप फर्स्ट टाइम जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे, उसके बाद उसको आप सेव रखेंगे तो आपको दूसरी मरतबा जो न्यूज़ बनाएंगे ब्रेकिंग, उसको बनाने में आसानी हो जाएगी। ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से वीडियो। अगर आपने मज़ीद कुछ इस हवाले से कुछ सवाल कुछ करने हैं तो आप वीडियो में अपने चैनल पे जो वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से कमेंट्स में आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब जो मैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। और बाकी जो मज़ीद क्वेश्चन होंगे या जो भी आपके सवालात होंगे, आपने कुछ पूछना है, आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो इसको +92302749298191 जो है वो अपने उसमें फ़ोन बुक में जाके सेव करेंगे। व्हाट्सएप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये एक्सपोर्ट हो गई है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे और जस्टिस की है, ये जस्टिस की जो न्यूज़ हमने बनाई थी ब्रेकिंग, वो फुल HD में जो एक्सपोर्ट हो गई है। वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी आप दोस्तों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपने अपने जो स्लाइड है टिकर, नीचे वाली जो टिकर स्लाइड है, उसका प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें। और तब तक के लिए आप सब दोस्त अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।